जनपद में बढ़ते हुए अपराध, वाहन चोरी व लूट की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए व उन्हें रोकने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर पुलिस अधीक्षक नगर ने कटगल थाना प्रभारी व एसओजी को टीम को साथ लेकर कार्यवाही करते हुए टीम द्वारा कोहिनूर तिराहे के पास एक युवक को गिरफ्तार किया गया तथा उसे थाने ले आई। कड़ाई से पूछताछ करने पर युवक ने अपना नाम आकिल पुत्र भूरा निवासी असालतपुरा थाना गलशहीद बताया। पुलिस द्वारा छानबीन की गई तो पता चला कि पकड़ा गया अभियुक्त थाना गलशहीद से 2500 रुपए का इनामी है। पकड़े गए अभियुक्त की निशानदेही पर 37 मोबाइल, LCD, मोटरसाइकिल, तमंचा बरामद किए हुए हैं। अभियुक्त द्वारा कई थानों में वारदात करने का जुर्म भी कबूल किया गया है। इसका खुलासा SP सिटी द्वारा प्रेस वार्ता कर किया गया। ये पिछले महीने थाना कटघर अंतर्गत हनुमान मूर्ति के पास में एक मोबाइल शॉप जो जिसको खुले हुए एक हफ्ता ही हुआ था, उसमें रात्रि के समय 3 बदमाशों ने घुस करके उसका शीशा तोड़ करके उसके मोबाइल चुरा लिए थे। इस संबंध में आज अच्छी कार्रवाई करते हुए थाना कटघर की टीम ने SOG टीम के साथ मिल करके उसमें से एक चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से कई मोबाइल फ़ोन बरामद हो गए हैं, साथ में LCD स्क्रीन और इन्वर्टर बरामद हुए हैं। जब इससे पूछताछ की गई तो पाया गया इसके ऊपर करीब 10 मुकदमे थाना जिला मुरादाबाद से हैं, जिसमें गलशहीद, सिविल लाइन, मुगलपुरा, कटघर और अन्य थानों से मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं। इसने अभी एक महीने पहले मुगलपुरा में स्थित एक दुकान से एक इन्वर्टर, LCD वगैरह की चोरी करी थी, उसकी भी बरामदगी हो गई है। साथ में इसके पास से एक पल्सर मोटरसाइकिल, एक अदद तमंचा भी बरामद हुआ है। बहुत ही शातिर चोर है। अब इसके खिलाफ आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। इंश्योर किया जाएगा कि ये काफ़ी समय जेल में रहे, अपने गुनाहों का पुष्ट काम। इनाम भी था इस पर? इसके ऊपर चूँकि बहुत दिनों से चोरी कर रहा था और इसको 2-3 चोरियों में चिन्हित किया गया था, तो इसके ऊपर 2500 का इनाम भी। सर और कितने लोग इसका कटघर की चोरी में इसके साथ 2 लोग अन्य थे, उनकी भी तलाश की जा रही है। मुगलपुरा की चोरी में भी उनमें से एक व्यक्ति था, तो उन सबकी तलाश की जा रही है। जनपद में बढ़ते हुए अपराधों को रोकने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर पुलिस अधीक्षक नगर ने थाना गलशहीद प्रभारी लोकेंद्र पाल सिंह को क्षेत्र में कड़ी चेकिंग करने के लिए निर्देशित किया, जिस पर कार्यवाही करते हुए लोकेंद्र पाल सिंह ने टीम गठित कर थाना क्षेत्र के विभिन्न चौराहे पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। तभी मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसके पास चोरी की मोटरसाइकिल है, वह भूड़े के चौराहे की तरफ से आ रहा है। सूचना पर पुलिसकर्मी चौकन्ने हो गए। तभी चेकिंग के दौरान बताई गई मोटरसाइकिल को रोक लिया गया और मोटरसाइकिल चालक से पूछताछ करने पर उसने मोटरसाइकिल चोरी का होना स्वीकार किया। पकड़े गए चालक ने अपना नाम इरशाद पुत्र फलजंद अली निवासी बूढ़नपुर थाना डिलारी बताया है। उसकी निशानदेही पर 5 मोटरसाइकिल और बरामद की गई हैं। इसका खुलासा SP सिटी ने प्रेस वार्ता के दौरान किया। ये थाना गलशहीद की टीम ने कल अपनी चेकिंग के दौरान बड़ी अच्छी कार्रवाई करी है, जिसके अंतर्गत एक बाइक चोर को पकड़ा है, उससे 5 बाइकें बरामद हुई हैं। ये गैंग बाइकें चोरी करके उनको कहीं पेट्रोल पंप पे, पुरानी पार्किंग पे, रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन की पार्किंग पे पार्क कर देता था, और जब उन बाइकों की खोज पुलिस बंद कर देती थी तब उन बाइकों के नंबर बदल कर उनकी फर्जी RC बना करके दूसरे शहरों, दूरस्थ शहरों जैसे मेरठ, हरियाणा जा करके बेच देता था। तो जब इसको पकड़ा गया तो उसके पास एक चोरी की बाइक बरामद हुई, और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना मोडस ऑपरेंडी बताया और अलग अलग जगह पर छुपा करके रखी गई 4 और मोटरसाइकिलें बरामद कराई। इसमें से 2 बाइकें कनेक्ट हो गई हैं, एक सिविल लाइन थाने से और एक कटघर थाने से चोरी हुई थी। अन्य बाइकों को भी कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। सर अकेला चोरी करता था गैंग? इसका एक गैंग है, इसका एक अन्य साथी है, जिसके बारे में हमें पता चला। अब हम शीघ्र उसी गिरफ्तारी का प्रयास करेंगे। जिस पेट्रोल पंप पे गाड़ी खड़ी किया करता था वो भी शामिल थी? नहीं, ये रेलवे की पार्किंग हो, बस की पार्किंग हो, जहाँ पे लोग गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं, उन सब पे का ये पार्क करके चले जाते। पर फर्जी कागजात किसके द्वारा तैयार किया गया? इसके स्वयं के द्वारा, कुछ मिली भगत से, उस बारे में भी पता किया जा रहा है। सर क्या आज भी मिली भगत हो सकती है इसमें, जिस तरह से वाहनों के फर्जी कागजात जारी किए गए हैं? इस संबंध में जानकारी करनी पड़ेगी, क्योंकि बाइकें बहुत सस्ते में बेची जा रही थी 5000 रुपए में, तो इस संबंध में विशेष अभी जानकारी होनी पाएगी। शिवसेना के जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरैहा के नेतृत्व में स्टेशन रोड मुरादाबाद से संबल में पृथ्वीराज चौराहे द्वारा निर्मित ऐतिहासिक श्री हरिहर मंदिर में जलाभिषेक करने को जाते समय पुलिस ने उन्हें इंपीरियल चौराहे के पास गिरफ्तार कर लिया। करीब 250 शिवसैनिकों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और पकड़े गए शिवसैनिकों को पुलिस लाइन भेज दिया गया। शिवसेना प्रमुख
डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरैहा ने शासन से कहा कि मंदिर को मुक्त कराने के लिए और मंदिर का जीर्णोद्धार करने हेतु कड़े कदम उठाए जाएं ताकि हिंदू समाज वहां पर जलाभिषेक कर सके। इस मौके पर भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के लल्ला बाबू द्रविड़, नगल संत संत रामदास, सर्वदलीय हिंदू संगठन प्रमुख सचिव सतीश चंद गुड्डू सैनी, अंकित सपड़ा, मनोज ठाकुर, मंजू राठौर, शीतल चौहान, अंकुर अग्रवाल, राम अवतार सागर, राकेश प्रजापति, सचिन चौधरी, रामचंद्र मेहरा, कुलदीप, सचिन, मुकेश, रोहताज कश्यप, पप्पू प्रजापति, लक्ष्मी कश्यप आदि लोग उपस्थित रहे। 250 शिव सैनिक रेलवे स्टेशन से श्री हरिहर मंदिर संबल में जल चढ़ाने के लिए प्रस्थान कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर लिया है। ज्ञात हो कि महाराणा पृथ्वीराज चौहान द्वारा श्री हरिहर मंदिर बनवाया गया था, जो आज मुसलमानों के कब्जे में है। श्री हरिहर मंदिर को कब्जा मुक्त कराने के लिए रोहिला राजपूतों ने 3 बार आक्रमण किया था। सन 1857 में श्री हरिहर मंदिर हिंदुओं के कब्जे में था। अंग्रेजी शासनकाल में हरिहर मंदिर भारतीय पुरातत्व विभाग के कब्जे में आ गया है, लेकिन फिर भी मुसलमानों द्वारा आज उस पर नमाज पढ़ी जा रही है। मुसलमान उस पर काबिज हैं, जबकि हिंदुओं को पूजा पाठ करने नहीं दिया जा रहा है। जबकि मंदिर में आज भी करघा बना हुआ है, मूर्तियां बनी हुई हैं, जंजीर लटकी हुई है, 172 कमल के फूल आज भी प्रतीक चिन्ह के रूप में मौजूद हैं। हमारी मांग है कि श्री हरिहर मंदिर को जल्द से जल्द मुक्त कराया जाए, अन्यथा शिव सैनिक बेतादाद संख्या में जाकर श्री हरिहर मंदिर को मुक्त कराएंगे और उस पर जल चढ़ाएंगे। आज हम इस बात की संकल्प लेते हैं, शपथ लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। कल रक्षाबंधन का दिन, चंद्र ग्रहण, 12 साल बाद यह योग बन रहा। चंद्र ग्रहण में और रक्षाबंधन के दिन यह योग अशुभ माना जाता है, इसलिए रक्षाबंधन का जो समय कल रहेगा सुबह 9 बजे से और 1:54 तक यह योग रहेगा। इस समय तक हम रक्षाबंधन में अपने भाई के रक्षा हाथों पे कलाई पे राखी बांधना शुभ रहेगा। उसके पहले भद्रा काल में राखी बांधना शुभ माना नहीं जाता, क्योंकि कारण क्या कि रावण के हाथ में सूपनखा ने भद्रा काल में राखी बांधी थी, जिस वजह से इतना बड़ा विवाद हुआ था और कुल का नाश हो गया था। इसलिए कहा जाएगा कि जो शुभ समय हो रक्षाबंधन या भाइयों के हाथ पे कलाई पे राखी बांधी जाए तो शुभ समय में बांधी जाए। जो समय रहेगा 9 बजे से और 1:56। अच्छा, जल अभिषेक भी है कल जैसे सोमवार? हाँ, तो भद्रा काल में जो है जल अभिषेक भी नहीं करना चाहिए, तो जो शुभ समय रहेगा वो 9 बजे से 1:53 तक या 56 तक जो है आप रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं और बहने भाइयों के हाथ पे राखी भी मांग सकते हैं। और ग्रहण है वो किस राशि के लिए भारी है और वो क्या उपाय करें? कल जो ग्रहण है मकर राशि पे कल ग्रहण रहेगा, और मकर राशि पे जो ग्रहण रहेगा ये लगभग सभी राशियों के लिए कहीं ना कहीं दुष्प्रभावी रहेगा, क्योंकि मकर राशि के अलावा भी सभी राशियों पे इसका सुप्रभाव रहेगा। अब 3 पहर पहले जो है 1:56 से सूतक लग जाएगा। 1:56 तक जो भी हमें कार्य करने हैं, शुभ कार्य करने कर सकते हैं। उसके अलावा हमें व्रत का भी जो नियम है, कल कहीं ना कहीं व्रत भी खंडित रहेगा, इसलिए जो सोमवार का जो व्रत रखेंगे वो अगर व्रत रखते हैं तो रात में 1:07 की रात्रि में 1:01 के बाद भोजन ग्रहण कर सकते हैं या अगले दिन स्नान के बाद भोजन ग्रहण करेंगे। अच्छा, टाइमिंग ग्रहण का क्या रहेगा लगभग? ग्रहण का समय लगभग रहेगा आपका 10:53 से और 12:48 तक जो है ग्रहण का समय रहेगा। इस अंतराल में हमें भगवान की पूजा अर्चना दान तप ये या गंगा स्नान पे जाके गंगा तट पे जाके हम स्नान करें तो ये बड़ा सफलदायी रहेगा। पंडित नाम क्या है? पंडित सुरेंद्र शर्मा। नागरिक सुरक्षा में सराहनीय व उत्कृष्ट कार्य करने वाले मुरादाबाद सिविल डिफेंस के पोस्ट वार्डन नवनीत किशोर जैन को सेवाओं को मान्यता स्वरूप उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एक प्रशस्ति पत्र देने का फैसला लिया गया है। उन्हें यह प्रशस्ति पत्र 15 अगस्त को दिया जाएगा। पोस्ट वार्डन नवनीत किशोर जैन से बात की तो उन्होंने बताया कि इसका पूरा श्रेय मेरे क्षेत्र की टीम को जाता है, जिसकी वजह से मुझे यह सम्मान मिला है।
इस सम्मान के बाद मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी। इस मौके पर उनकी टीम के लोगों ने उन्हें मिठाई खिलाकर बधाई भी दी। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। नवनीत किशोर जैन जी जो हैं बहुत अच्छे सामाजिक व्यक्ति हैं और इन्होंने हर समय बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं हर कार्यक्रमों में, चाहे वो यातायात व्यवस्था हो, जुलूसों का त्यौहार हो, प्रशिक्षण हो या किसी भी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और आज मेरे जो साथी है नवनीत किशोर जैन जी, उन्हें जो पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया गया, मुझे बड़ी खुशी है। और नवनीत किशोर जैन जी वो इसके बधाई के पात्र हैं। छुजवाड़ा नवनीत किशोर जैन जी है, इनको जो प्रशासन की तरफ से ये प्रशासनिक पत्र मिला है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। इस पर तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हर सामाजिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और हमारी पूरी टीम इसके साथ में रहती है। और जैन साहब को मेरी तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। किस उपलब्धि का सम्मान है, क्या है ये सर? सम्मान हम लोगों को जो मिला है, मुझे क्या मतलब, मेरी पूरी टीम के सहयोग से मिला है और इसका सारा श्रेय मुझे अपनी पूरी टीम को जाता है। मेरी टीम बहुत बढ़िया है, हर समय सहयोग में खड़ी रहती है। इसके अतिरिक्त हम लोग सामाजिक, धार्मिक और शांति व्यवस्था बनाए रखने के कार्यक्रम, सिविल डिफेंस के, आपदा प्रबंधन के, कोई सा भी कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम में हमारी पूरी टीम तत्परता से, तन मन धन से जुड़ी रहती है और कार्य करती है। अभी हाल फिलहाल में ही ऑफिस में हमने अभी पिछले साल की तरह इस वर्ष भी दो बच्चियों को साल भर की शिक्षा उनकी गोद ली थी, उनको समर सम्मान, और 20 गरीब बच्चियों को सलवार सूट भेंट किए गए थे हमारी ओर से, जिसमें हमारे सभी वार्डनों का सहयोग रहा। और इसके अतिरिक्त कांवड़ यात्रा की हो, मुहर्रम की हो, ईद की हो, बारह वफात की हो, वैसे कोई शांति व्यवस्था बनाए रखने में हमें निर्देश दिया जाता है, हम उसमें भरपूर तरीके से पुलिस प्रशासन का सहयोग करते रहे हैं और इसके अतिरिक्त सामाजिक कार्यों में भी सहयोग करते हैं। अब आपको सम्मान मिला, आगे अब आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, तो आगे क्या रहेगा? जिम्मेदारी तो हम, जहाँ तक जिम्मेदारी का सवाल है, जिम्मेदारी के लिए हम लोग सदैव, हमारी ड्यूटी आए या ना आए, हम अपने क्षेत्र को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाए रखने में बगैर ड्यूटी के भी कार्य करते हैं और आगे भी इसी प्रकार करते रहेंगे। और मैं सभी अपने वार्डन्स का आभारी हूँ, साथियों का, जिन्होंने कि हर समय समय पर मेरा साथ दिया, जिसकी वजह से आज मुझे यह सम्मान मिला है।